नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास बुलेटिन में आपका स्वागत और मैं राजेश सोनी। बुलेटिन में बात करेंगे खास खबरों की। तो जबलपुर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशीष दुबे ने जबलपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल कर दिया है और इस मौके पर आशीष दुबे के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह मौजूद रहे। फॉर्म भरा है मेरे साथ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान विष्णु शर्मा जी। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ मंत्री राकेश सिंह जी आशीष दुबे का फॉर्म भरा के आए हैं। हमारे साथ ही प्रहलाद पटेल जी मेरी अपने ओर से भाजपा के लिए जो माहौल दिखा है, वास्तव में हम सब आनंदित है। जबलपुर स्थान है जहाँ वर्षों से भाजपा का अपना गढ़ है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय आशीष दुबे जी ने ऐतिहासिक रैली के साथ नामांकन भरा है और इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी और वरिष्ठ नेता और मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय, ये सभी लोग केवल नामांकन के लिए ही आए थे और सभी ने देखा कि जनता किस तरह से प्रचंड आशीर्वाद दे रही है। तो स्वाभाविक है, ये तो होना ही था। जब खींचतान के प्रत्याशी बनाएंगे तो होगा क्या? ना कार्यकर्ताओं की सहमति है, ना जनता का आशीर्वाद है, तो कांग्रेस किस बना पर चुनाव लड़ रही है। और ये साबित है कि उनको कहीं ना कहीं सूचना मिली कि नामांकन में कोई इकट्ठा मिलने वाला नहीं है, कोई रैली नहीं हो सकती, और इसलिए भविष्य में होने वाले किसी भी अपमान से बचने के लिए वो लोग वापस लौटे।